हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल दी टैरोट वाइब्स। सो गाइस, आज हम आपके लिए देखने वाले हैं आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। सो ये रीडिंग होने वाली है 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में। इसमें आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, आपकी क्या एनर्जी है, कैसा चल रहा है आपका रिलेशनशिप, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है आपके रिलेशनशिप में, उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। सो गाइस, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम ये रीडिंग देखेंगे। एंड अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड अगर आपकी सन मून राइजिंग टॉरस है यानी कि वृषभ राशि है, सो रीडिंग आपके लिए है, ज़रूर देखिए। ओके, सो आई एम स्टार्ट करते हैं। की एनर्जी 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, द एम्प्रेस। के अगर आपके पार्टनर के लिए देखा जाए सो सेवन ऑफ स्वॉर्ड, थ्री ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइज, आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी एग्जैक्ट सेम आई है। लाइक जो दोनों वीक की एनर्जी दिखाई दे रही है बिल्कुल सेम है। जैसा कि आप नाराज़ हो रहे हो तो आपके पार्टनर भी उसी एनर्जी में है। ओके, सो हम देख लेते हैं ये रीडिंग थोड़ी सी डिटेल में। आई होप सभी को विजिबल है कार्ड्स। सो टॉरस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आपकी एनर्जी हम देखते हैं फर्स्ट वीक की, सो ओवरऑल जो फर्स्ट वीक की एनर्जी है वो ठीक दिख रही है। ओके, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है बट ठीक है। लाइक आप बहुत ज़्यादा अपने मनी को, अपनी इमोशंस को सेव करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हो और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हुए अपने मनी को दिखाई दे रहे हो। फाइनेंशली आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हुए दिखाई दे रहे हो। फाइनेंशली आप बहुत ज़्यादा कुछ सेविंग कर रहे हो। यहाँ पर आपके पास फाइनेंशली अच्छा प्रॉफिट है, फाइनेंशली आप अच्छा गेन कर रहे हो, ग्रोथ अच्छी है आपके फाइनेंस में, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आप थोड़े से इनसिक्योर, इन सारी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं थोड़े से आप बचाते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड होते हुए दिखाई दे रहे हो आप फर्स्ट वीक में। एंड यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हो उसी वे में कि आप और ज़्यादा अर्न करो, आप और अपने करियर में ग्रोथ लेकर आओ। सो यहाँ पर आपके फाइनेंस वाइज तो मुझे बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है अब, लेकिन थोड़े से आप इनसिक्योर हो। इतना कुछ होने के बाद में भी आप थोड़े से इनसिक्योर हो कि और चाहिए इस तरह की, या फिर इन सब चीज़ों को कैसे इन्वेस्ट करके रखूँ, कहाँ रखूँ, इन सारी चीज़ों के बीच में थोड़े से इनसिक्योर होते हुए दिखाई दे रहे हो आप। एंड यहाँ पर अगर आपके लिए आपके पार्टनर के, यहाँ पर आप थोड़े से इमोशनल भी होते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन होते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर इन 2 हफ्तों में आप की एनर्जी बैलेंस्ड रहेगी, बहुत ज़्यादा इमोशंस नहीं हैं, बहुत ज़्यादा आप अपने फाइनेंस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, बट अपने इमोशंस को आप बैलेंस करके रखते हुए दिखाई दे रहे हो। फर्स्ट वीक आपके लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। इसमें आपके रिलेशनशिप के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप वाइज थोड़े से नाराज़ हो, आपके पार्टनर से थोड़ा सा नाराज़ हो। मीन्स आपके पार्टनर के और आपके बीच में किस तरह की प्रॉब्लम शुरू है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है। सो यहाँ पर मुझे इस तरह की एनर्जी आपकी तरफ से आते हुए दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पर अगर आपके पार्टनर के लिए हम फर्स्ट वीक देखें सो यहाँ पर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं वीक की स्टार्टिंग में कुछ आपसे छुपाते हुए दिखाई दे रहे, कुछ हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि वो
कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं कि वो आपको बिट्रेल करेंगे, या फिर बिट्रेल करने की आशंका आपको भी है उनकी तरफ से, या फिर आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू है, जो एक दूसरे को बिल्कुल भी समझना नहीं चाहते या एक दूसरे को बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप दोनों की जो कम्युनिकेशन है एक जगह पर ख़त्म ही नहीं हो रही है, या फिर एक जगह से शुरू ही नहीं हो रही है। आप दोनों बिल्कुल भी एक बिल्कुल अपोजिट तरह से बात करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने इमोशंस में बहुत ज़्यादा बहते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड कहीं ना कहीं आपके जो ओवर थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है। सो यहाँ पर आपके पार्टनर की भी वही एनर्जी दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपके पार्टनर भी आपसे कुछ छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपको बिट्रेल करने के बारे में भी सोच रहे हैं। ओके, सो गाइज आप थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बिट्रेल कर सकते हैं, बट ये इस तरह का बिट्रेल नहीं होगा कि आपको छोड़ कर चले जाए, ये इस तरह का बिट्रेल है कि आपके साथ वो चीट कर सकते हैं, किसी और को डेट कर सकते हैं आपके साथ होते हुए, या फिर किसी और के साथ वो कुछ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं आपके होते हुए भी। सो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, आपके साथ साथ वो किसी और को भी डेट कर सकते हैं आपके पार्टनर। एंड यहाँ पर अगर आपके लिए सेकेंड वीक देखें, सो सेकेंड वीक की स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो, आप अपने करियर को लेकर, अपनी रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड मुझे दिखाई दे रहे हो, कहाँ पे क्या करना चाहिए, किस सिचुएशन में किस तरह से आपको हैंडल करना है, आप इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, और जिसके लिए आप बहुत सारे तौर तरीके अपनाते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी कुछ लोगों से बात करते हुए दिखाई दे रहे हो, यहाँ पर आपके फैमिली हो सकती है, आपकी फ्रेंड हो सकती है, जिनसे आप इन सारी चीज़ों के बीच में बारे में डिस्कस करने वाले हो। सो गाइज यहाँ पर आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे यहाँ पर आपके एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स नहीं दिखाई दे रही, बहुत ज़्यादा शक, बहुत ज़्यादा डाउट दिखाई दे रहा है। ओके, बिकॉज यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता है कि आपके पार्टनर आपको बिट्रेल करने वाले हैं, या फिर बिट्रेल कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं आपको, या फिर आपके साथ होते हुए भी किसी और के साथ वो टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी आपको आ रही है उनकी तरफ से, एंड यहाँ पर वो एनर्जी आपके अंदर दिखाई दे रही है। ओके, आप अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हो, संभालने की कोशिश कर रहे हो, बट इस वक्त आप थोड़े से परेशान ज़्यादा होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो टॉरस। सो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी अगर हम देखें, सो आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। ओके, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड यहाँ पर उन्हें पता है कि फाइनेंशियली वो आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं, बिकॉज यहाँ पर वो आपके पास किसी ना किसी फायदे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मुझे फाइनेंशियली होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिस वजह से आपके पार्टनर आपसे कनेक्टेड है। ओके, आप कई बार आपने आपके पार्टनर की हेल्प की है फाइनेंशली, बहुत बार आपके पार्टनर की आपने हेल्प की है, जिस वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं होंगे, एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको बिट्रेल ज़रूर कर रहे हैं, एंड उनके इमोशंस भी हर्ट हो रहे हैं कि वो आपके जैसे अच्छी पर्सनैलिटी को, अच्छे पर्सन को हर्ट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उनकी मजबूरी है जो कि वो कर रहे हैं और आपको हर्ट हो रहा है। ओके, वो फाइनेंशली इस वक्त बहुत ज़्यादा वीक दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से वो आपके साथ रह रहे हैं एंड आपको बिट्रेल भी कर रहे हैं। सो गाइज वो कहीं ना कहीं इनकी मजबूरी दिखाई दे रही है, फाइनेंशली आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा वीक दिखाई दे रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें आपके साथ इन दो हफ्तों में होते हुए दिखाई दे रही है। सो हम देख लेते हैं आपके पार्टनर आपके लिए कौन सा एक्शन लेने वाले हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड, सो गाइज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत सारे लोगों से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड यहाँ पर वो अपने इमोशंस से बहुत ज़्यादा लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं।
एंड फाइनेंशली वो बहुत ज़्यादा वीक है। सो गाइज़ यहाँ पर आपके पार्टनर आपके पास ज़रूर आएंगे, वापस ज़रूर आएंगे। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन चालू है, किस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो आपके पार्टनर आपके पास ज़रूर आएंगे। बट गाइज़ वो किसी ना किसी मतलब की वजह से आएंगे, उनकी ऐसी मजबूरी है कि वो आपके साथ रहेंगे ही, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशली आपकी बहुत ज़रूरत है उन्हें। सो गाइज़ उनका जो फाइनेंस है वो आपके इससे चल रहा है, ऐसा कह सकते हैं, या फाइनेंशली आप उनके साथ हो तो उनका फाइनेंस अच्छा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको इस वक्त तो छोड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे, या आपको बिट्रेल करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। आपको टोटली ब्रेकअप आपके साथ नहीं करेंगे, सेपरेशन नहीं करेंगे। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ भी है, सो आपके पार्टनर आपके पास आते हुए इन 15 दिनों में दिखाई दे रहे हैं। बट गाइज आपको यहाँ पर आपके पार्टनर के ऊपर फुल ऑन ट्रस्ट करने के पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए, ओके? बिकॉज यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर के साथ बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है, ओके? तो आप प्लीज़ ट्रस्ट करने से पहले थोड़ा सा सोचिए अपने पार्टनर को। अगर आप अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, कुछ टाइम कुछ महीनों का ही आपका रिलेशनशिप है, सो आपको थोड़ा सा देखना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, एंड देन आप अपने पार्टनर के ऊपर पूरा ट्रस्ट कीजिए, ओके? ओके गाइस, बट आपके पार्टनर ज़रूर आने वाले हैं। ओके गाइस, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।